सो इट्स अ फॉगी विंटर मॉर्निंग इन दिल्ली और दिल्ली के अंदर इस टाइम काफ़ी डेंस फॉग है। अभी लगभग 12:30 हो रहे हैं फिर भी इतना ज़्यादा फॉग है। और दिल्ली में फॉग के दो रीजन है। पहला रीज़न होता है यहाँ पे पॉल्यूशन और दूसरा रीज़न होता है नॉर्मल ठंड। बट अच्छी चीज़ ये है कि पिछले दो हफ्ते से इस पॉल्यूशन का कॉन्ट्रीब्यूटर मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ MG की ZS EV। ये MG की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरा पिछले दो हफ्ते से इस गाड़ी को चलाने में एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपनी डेली रनिंग कॉस्ट लगभग कितने रुपए की पड़ती है, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक कार लेना सिटी यूज के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए हमें अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसके लुक्स की। गाड़ी बहुत पुरानी है, ज्यादा लुक्स की बात यहाँ पे मैं नहीं करूंगा। ये पहले जो ZS EV आई थी उसका एक फेसलिफ्टेड मॉडल था, अपग्रेडेड मॉडल था, जिसमें कई सारे चेंजेस हुए थे, रेंज में इजाफा हुआ था और कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस करे थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर आपको ब्लॉक्ड ग्रिल मिलती है, इधर आपको स्पेसेस नहीं मिलते, इधर थोड़े स्पेसेस मिलते हैं और इधर थोड़े स्पेसेस मिलते हैं जिससे एयर अंदर जा सके और इसके मोटर को कूल डाउन कर सके। साथ ही साथ इधर आपको यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, इधर से आप खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और इधर आपको रेगुलर चार्जिंग मिलती है। इधर आपको बार्स मिल जाते हैं जहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि आपका जो व्हीकल है वो कितना चार्ज हुआ है। यहाँ पे आपको फ्रंट में एक कैमरा देखने को मिल जाता है। इधर अगर आप नीचे नज़र डालेंगे तो इधर आपको ये रेडार मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको ADAS भी ऑफर करा जाता है। इधर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं विद LED DRLs। काफ़ी अच्छा थ्रो है, इवन नाइट्स में भी बहुत अच्छा थ्रो ऑफर करते हैं। साइड में मूव करूँ तो यहाँ पे आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। इधर आपको डुअल टोन कलर शेड में ये व्हील कैप्स देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिलती है जिससे ये गाड़ी बताती है कि मैं इलेक्ट्रिक हूँ। इधर आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं विद साइड ब्लिंकर्स। रूफ रेल्स मिल जाते हैं आपको सिल्वर कलर के, एक पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। यहाँ पे आपको ड्राइवर के लिए कीलेस एंट्री मिल जाती है, कुछ क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं। साथ ही साथ रियर की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो इसके रियर में आपको रेगुलर LED टेल लाइट्स देखने को मिलती हैं, MG का बैज मिलता है, ADAS मिलता है, ZS EV की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। अगर आपको इसके बूट को एक्सेस करना है तो सिंपली ये जो MG का लोगो है आपको इसे ऊपर करना है और इसका बूट खुल जाएगा। देखा जाए तो काफ़ी स्पेशियस बूट है, इधर आप अपने दो लार्ज बैग आराम से रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको उठाएंगे तो यहाँ पे आपको एक स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस गाड़ी के डिज़ाइन की, लुक्स के मामले में काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ है इस ब्लैक कलर शेड में कि जब भी आप इसे क्लीन करवाएंगे और बाहर खड़ी के रखेंगे ना तो आधे पौने घंटे के अंदर या एक घंटे के अंदर इसके ऊपर धूल मिट्टी आ जाएगी और इस कलर पे वो धूल मिट्टी दिखेगी। तो वो मुझे लगता है कि अगर आप कोई और कलर शेड ऑप्ट करेंगे तो आपको वो इशू नहीं आएगा। मूव करते हैं इसके इंटीरियर्स में, वहां बताता हूं आपको यहां पे क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो फाइनली मैं इस गाड़ी के अब अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे अगर इंटीरियर्स की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि इसका इंटीरियर क्वालिटी ठीक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो अपने प्राइस टैग को बिल्कुल ही जस्टिफाई कर दे, बट अच्छी है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिलते हैं, इधर आपको थोड़ा हार्ड टच लेदर कुछ इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं। साइड में आपको पियानो ब्लैक और सिल्वर कलर के राउंड एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी सुंदर दिखते हैं, बीच में रेगुलर आपको एयर वेंट्स दिखते हैं। यहाँ पे आपको एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलता है, इधर आपको वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, वायरलेस नहीं मिलता। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि अगर कॉमेट जो इससे बहुत ज़्यादा सस्ती है उसके अंदर वो चीज़ आती है तो इसमें क्यों नहीं आती। एंड बाकी अगर मैं इसके टच रिस्पॉन्स की बात करूँ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ टच है। साउंड क्वालिटी ठीक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट इट्स गुड। आप अपना जो भी म्यूज़िक सुनते हैं आप इजीली सुन सकते हैं। इधर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, इधर आपको एक सी टाइप पोर्ट मिलता है, एक USB पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। यहाँ पे आपको तीन डिफरेंट कंट्रोल्स मिलते हैं, एक है इसके ड्राइव मोड्स का, एक है कर्ब्स का और एक है बैटरी का। बाकी ये है आपका गियर सेलेक्टर, इधर इसे आप रोटेट करके गियर सेलेक्ट कर सकते हैं। तीन ही यहाँ पे आपको मिलते हैं, D, N और R। पार्किंग में डालने के लिए आपको सिंपली पी पे क्लिक करना है और ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। यहाँ पे अगर मैं इसे मूव करूँ तो इधर आपको दो कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, इधर आपको स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स एरिया में स्पेस मिल जाती है, इधर आपको एक अच्छा खासा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेदर रैप्ड है, इसमें आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं कॉल वगैरह एक्सेस करने के। साइड में आपको डोर कंट्रोल्स मिलते हैं, विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं और इधर आपको एक बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है।
फीचर्स के मामले में ये मैं कहूँगा कि इतने को ही आपको ज़्यादा टैक्स नहीं मिलते। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सेफ्टी टैक्स पे अच्छा काम हुआ है, इधर आपको ADAS मिलता है। यहाँ पे अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है, साइड सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, अच्छी कुशनिंग हो रखी है, लेदर क्वालिटी इधर बहुत अच्छी यूज़ हुई है। इधर आपको ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं सीट को एडजस्ट करने के लिए, बाकी आपको साइड पैसेंजर के लिए नॉर्मल मैनुअल कंट्रोल्स ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिलता है, इवन मैंने रियर सीट्स पे ही बैठ के इस पर ट्रैवल किया है तो आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता है। इधर 5 पैसेंजर्स आराम से बैठ के घूम सकते हैं। आपको एक टच स्क्रीन मिलता है, इधर आपको जियो सावन मिलता है। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली पूरा MG एक अपना ही अलग से वर्ल्ड देता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके AC को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक AC इसमें देखने को मिल जाता है। तो कई सारे फीचर्स मिलते हैं जो आप इसके टच स्क्रीन से ही एक्सेस कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूं तो मुझे लगता है कि इसमें आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फीचर्स मिलते हैं जो एक इलेक्ट्रिक कार में आपको मिलने चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, वो ऐड हो सकती थी, बट नॉनदलेस इट्स अ गुड फैमिली कार। अब चलते हैं, इस गाड़ी को चलाते हैं और मैं बताऊँगा कि ये गाड़ी चलने के मामले में कैसी है। सो आई हैव फाइनली स्टार्टेड ड्राइविंग दिस कार। यहाँ पे पहले मैं बात करूँगा इस गाड़ी के मैकेनिकल स्पेक्स की। MG की ZS EV पार लेते 50.3 किलोवाट आर के लिथियम आयन बैटरी पैक से 174 BHP का पार बनाती है, 280 NM का टॉर्क बनाती है। एक फुल चार्ज में जो कंपनी क्लेम करती है वो है इसका रेंज 461 किलोमीटर्स का, बट आपको रियल वर्ल्ड कंडीशन में वो रेंज नहीं मिलता। आप रियल वर्ल्ड कंडीशन में इसे चलाएंगे आपको यहाँ पे 380 या 400 के बीच के अंदर रेंज मिल जाता है। चार्जिंग की बात कर लूँ तो अगर आप इसे फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तो ये 50 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगी, स्लो चार्जर से चार्ज करेंगे तो वही चीज़ आपको 5 से 6 घंटे लेगी। यहाँ पे अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ, जैसा मेरा एवरीडे एक्सपीरियंस रहा है परफॉर्मेंस के मामले में, इस गाड़ी में मुझे कोई भी इशू नहीं आया। पहली चीज़, ये गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ है, आपने इतनी स्मूथ गाड़ी कभी नहीं चलाई होगी। और यहाँ पे आपको ऑन टैप पार मिलता है, 3 डिफरेंट ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड में ऑब्वियसली ये गाड़ी अपने एलिमेंट में आती है और वहाँ पे आपको अच्छा खासा पार देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अपने डेली कम्यूट एक्सपीरियंस की, तो मेरी जो ओवरऑल ड्राइव रहती थी ऑफिस से घर की ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स की है, तो वो बहुत अच्छी रहती थी, मैं बहुत इन्जॉय करता था चलाने को। और अच्छी चीज़ ये है कि ये गाड़ी बिल्कुल भी साइलेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये गाड़ी ऑन है, मूव करते हुए भी आपको वो फील बिल्कुल भी नहीं आएगी। सेकेंडली अगर मैं इसके हाईवे परफॉर्मेंस की बात करूं, क्योंकि मैंने इसे हाईवे पे भी काफ़ी चलाया है, तो हाईवे परफॉर्मेंस के मामले में भी कहीं पे भी आपको ये गाड़ी अंडर पावर्ड फील नहीं होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गाड़ी कब ट्रिपल डिजिट स्पीड पे पहुंच जाएगी। आप इजीली इस पे 120-130 पे क्रूज़ कर सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोल भी इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। रेंज इशू आपको इस गाड़ी के साथ इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली इस गाड़ी की रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं अपने डेली एक्सपेंडिचर की बात करूं तो मुझे तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी फ्री पड़ी है, 2 हफ्ते मैंने इसे चलाया, मुझे एक भी पैसा अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं इस गाड़ी को अपने घर पे ही चार्ज करता था और इसे अपने घर पे ही चार्ज करके मैं चलाता था, तो मेरा वहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं रहा है। वो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें इंक्लूड होके आ जाएगा, विच इज़ क्वाइट गुड एंड क्वाइट अफोर्डेबल टू मी। यहाँ पे अगर मैं इसके स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी यहाँ पे आपको इसका लाइट स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्टिफनेस फील होगी सस्पेंशन में अगर कोई बहुत मेजर जर्क आ जाएगा, अदर देन दैट बहुत इजीली ये पॉट होल्स और स्पीड बम्प्स को काउंटर करेगी। साथ ही साथ इधर आपको जो व्हील्स मिलते हैं काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, इवन अगर आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग भी करेंगे तो आपको बॉडी रोल ना के बराबर महसूस होगा क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बॉडी रोल है नहीं। हैंडलिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, यहाँ पे इस गाड़ी का जो चैसी ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी है और चलाने के मामले में बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगती है। साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि इधर आपको 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, तो ब्रेकिंग के मामले में भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। एंड एडिंग टू द सेफ्टी, इसके अंदर आपको ADAS जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलता है। मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ ADAS का और उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है, वो ये है कि इधर आपको ADAS में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग भी मिलती है और जब आप किसी गाड़ी के पास आते हैं तो ये गाड़ी अपने आप ब्रेक कर देती है। अब जैसे अगर मैं इस गाड़ी को ट्रैफिक में चला रहा हूँ तो मुझे एस्टिमेट है कि इस ट्रैफिक में ये गाड़ी इतने रास्ते से निकल जाएगी कट के, बट जैसे ही एक दूसरी गाड़ी थोड़ा सा पास सेंस करती है ये ब्रेक कर देती है,
तो अगर आप इससे ट्रैफिक के बीच में अपनी कार कट करके लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द ADAS. अदर देन दैट सेफ्टी के पर्पज से बहुत अच्छी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एंड ये गाड़ी काफ़ी चीप टू मेंटेन है. तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस गाड़ी के मैकेनिकल स्पेक्स, परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की. अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ. सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले मैं बात करूंगा इस गाड़ी के प्राइस की. MG की ZS EV का प्राइस शुरू होता है 24.25 लाख और रोड दिल्ली से एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 27.52 लाख और रोड दिल्ली. बट कहीं लोगों का ये कहना है कि इसका जो प्राइस टैग है वो हाई है, जो कि सही बात है. कंपेयर टू अदर कार्स आपको इससे भी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं मार्केट के अंदर, बट उधर आपको इलेक्ट्रिक कार का ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल है. पहली चीज़, इलेक्ट्रिक कार आपकी फ्यूल मनी को बहुत ज़्यादा सेव करती है. मुझे ये गाड़ी पर किलोमीटर लगभग 5 से 6 रुपए की पड़ रही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी. घर पे ही इसे चार्ज करता हूँ तो एक तरह से देखा जाए मेरे लिए तो फ्री है, क्योंकि मेरे घर के बिल में आती है और मैं अपने घर का बिल भरता नहीं हूँ. बट द थिंग इज कि मेरा जो इसका रनिंग कॉस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो है. पिछले 2 हफ्ते से मैंने 1 भी रुपया पे नहीं करा है इस गाड़ी को चलाने के लिए. रिलायबिलिटी के मामले में बहुत अच्छी है, एवरीडे कम्यूट्स करो. इवन मैंने इस गाड़ी को दिल्ली से जलंधर भी चलाया है, रास्ते में काफ़ी सारे चार्जिंग स्टेशन हैं, बट मुझे बीच में एक स्टॉप ही लेना पड़ा था, वो भी सेफर साइड के लिए, वरना ये एक स्ट्रेच में पहुंच सकती है. कंपनी क्लेम करती है 461 किलोमीटर्स का रेंज, बट आपको रियल वर्ल्ड कंडीशंस में इस गाड़ी से 380 से 400 के बीच में रेंज मिल जाएगी, विच इज़ रियली गुड. ओवरऑल मेरा यूज़र एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ बहुत अच्छा रहा. मैंने इस गाड़ी का एक्सटेंसिव यूज़ किया है, इसे मैंने डेली कम्यूट्स के लिए यूज़ किया है और इसकी जो ड्राइव है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूद है, आपको ऐसी ड्राइव कहीं भी नहीं मिलेगी. बट मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या व्यूज़ हैं अबाउट दी MG ZS EV. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल अ फ्यूचर अपडेट्स. आई विल सी यू अराउंड.